हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अवनाश मैथ्स एकेडमी। तो एक बार मैं फिर आपको बताना चाहूँगा, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन लिंक को जरूर चेक करें, जिसमें 10th और 12th के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। आप जरूर चेक कीजिए एक बार डिस्क्रिप्शन लिंक को, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे बढ़ें तो इसमें हम देखेंगे, लास्ट वीडियो है ये, फोर्थ वीडियो है संस्कृत का, 10th एमपी बोर्ड बोर्ड एग्जाम के लिए संस्कृत का। जी बिल्कुल, पूरा का पूरा पेपर यहीं से बसेगा और लेटेस्ट ब्लूप्रिंट के आधार पर ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, अपठित गणतांश, अनसीन पैसेज, पत्र लेखन या आवेदन पत्र और निबंध लेखन कौन कौन से करने हैं, कैसे करने हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखते जाइए कि करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपठित बोध यानी कि अनसीन पैसेज कौन से, देखते जाइए। तो नीचे लिखे पद्यांशों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं, वो किताब वाले थे और ये हैं अपठित, जो आपको पता ही नहीं है इसमें क्या पूछ सकते हैं। तो पहला है, एकिन राज हंसेन या शोभा सरसु भवेत ना का बक सहस्त्रण परिस्तिर वाशिना, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है केन सरस शोभा ना भवती, केन सरस शोभा ना भवती, तो क्या नहीं भवता बच्चों, बक न स परिस्तरण जी, बक सहस्त्रण, ये आपको नीचे आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आपको अच्छे से पढ़ते जाना है और याद करते जाना है, ओके। जैसे ये दिया गया सीधा सीधा, कति राज हंसिन सरस शोभा भवती, तो क्या उसको शोभा का देता है, एक इन, क्या देता है, एक इन। तो ऐसे आपको पढ़ते जाना है और याद करते जाना है। आगे बढ़ें, अगला है ये दिया गया है आपको, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ये क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर आपको आंसर याद करने हैं। जैसे ये दिया गया है गद्यांश के रूप में, ये बच्चों प्रश्न बैंक में दिया गया है, तो इसके ज़्यादातर चांसेस हैं आने के, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो इसको और स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ओके बच्चों। आगे बढ़ें, एक ये वाला हरियाणा राज्य यमुना नगर मंडली एक संस्कृत परिवार अस्ति, मतलब इसका क्या होता है कि हरियाणा राज्य के यमुना नगर में मंडली एक संस्कृत परिवार रहता है, तस्मिन ग्रह सर्वे संस्कृत संभाषण कुर्वन्ति। तो ऐसे आपको पढ़ना है और इनके आंसर देना है। महात्मा गांधी भारत से राष्ट्रपिता, ये बच्चों इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप जरूर करेंगे। संस्कृत भाषा, ये भी बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने वैसे बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट ही दिए आपको, तो क्योंकि इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। इसके बाद उत्साह उत्साहनता, तो इसको भी आपको देख लेना है सॉल्व करके, और इनके आंसर आप जरूर याद करें, और बाकी आप जिससे भी पढ़ रहे हो उनके एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन आप जरूर याद करते रहें, पर इनको कंपलसरी करना है, बाकी आपके पास समय बचता है तो बाकी क्वेश्चन भी आपको एक बार पढ़ना है, ये जरूर कीजिए। आगे बढ़ें, एक ये वाला है, इसकी सॉल्व ले लीजिए, इसके आंसर दिए गए हैं, ठीक है। एक ये है संस्कार, ये वाला अच्छा इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आप इसको जरूर कीजिए। प्रश्न दिए गए हैं आपके सामने, ये प्रश्न दिए गए, 1 2 3 4 5, तो पूछे सिर्फ 4 जाएंगे, ठीक है, 5 नहीं पूछेंगे, पूछे 4 ही जाएंगे। चलिए, इसके बाद आपको करना है कौन कौन से पत्र करने हैं, मैंने आपको पत्र ज़्यादा नहीं दिए हैं, लेकिन मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, स्थानांतरण इस साल के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस साल के लिए, मतलब 99% चांसेस हैं कि ये आ जाए, ठीक है, फिर भी 1% में लेके इसलिए चलता हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, कोई भरोसा नहीं, कुछ भी पूछा जा सकता है, पर इम्पोर्टेंट का मतलब ये होता है कि इसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, मैंने ये नहीं कहा है कि यही आएगा, आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, तो ये वाला कर लेना आप अच्छे से, लिखने का तरीका जरूर ध्यान रखना कि कैसे लिखते हैं, और अवकाश वाला तो हमेशा से इम्पोर्टेंट था ही बच्चों, ठीक है, ये तो आप हर साल लगभग आ ही जाता है। और हाँ, ये बच्चों एक चीज़ और बता दूँ, इसमें जो कुछ दिया जाता है, जैसे उन्होंने नाम दिया, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ आपको, जैसे उन्होंने दिया प्राचार्य महाग्वाली नगरम, आप अपने यहाँ का नाम लिखेंगे, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, यहाँ पे जो भी नाम लिखा जाता है, जो भी नाम लिखा जाता है, जैसे राजीव लिखा है इन्होंने, या फिर सन दिनांक डाली है, या शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लिखा हुआ है नगर मध्य प्रदेश,
आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, आप अपने स्कूल का नाम डालना है, ठीक है? ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम डालना है विथ एड्रेस। यहाँ पर दिनांक आप कोई भी डाल सकते हो और अपना नाम भी लिख सकते हो, ये चेंजेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है ऐसा ही याद किया जाए। तो इतना आप बच्चों ध्यान रखना। एक ये वाला है स्वास्थ्य वाला, मित्र के अपने दिन में, ठीक है? ये बच्चों आप अच्छे से कर लेना। एक और ये वाला आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं निबंध पर। तो निबंध में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए पर्यावरण और अस्माकं देशम, ठीक है? इस साल के लिए पर्यावरण और अस्माकं देशम, ठीक है? ये आपको हेडिंग लिखी हुई है 10, ये आप इनको याद करना है। और संस्कृत को आप एक बार ध्यान रखना, लिख के जरूर देखें, संस्कृत जो है ना वो लिखने से अच्छे से आती है। महाकवि कालिदास ये तो हमेशा से इम्पोर्टेंट रही हैं, तो ये आपको निबंध करना है। और सदाचार वाला भी इस साल हो सकता है पूछा जा सकते जाए, तो इतना तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो महाकवि कालिदास ये 4 निबंध दिए हैं आपको, ये चारों निबंध आपको याद करने हैं। और ये हैं आपके संस्कृत के पूरे इम्पोर्टेंट निबंध चुके हैं। जिन्होंने अभी वीडियो नहीं देखे हैं पुराने, तो वो वीडियो देख लें। डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लास 10th इम्पोर्टेंट में जाएंगे आप, तो संस्कृत हेडिंग डली होगी, संस्कृत के आगे एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है? तो ओके बच्चों, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है?